जनपद उत्तरकाशी में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने कहा कि हमारा देश तेजी से विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है और दुनिया में हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि तिरंगे की आन बान और शान को कायम रखने तथा स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको कृत संकल्पित होकर जुटना होगा। कार्यक्रम में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए सब लोगों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, यही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और जैसे सबको पता है कि आज पूरे देश के अंदर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को, उत्तरकाशी वालों को, गंगोत्री विधानसभा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जैसे कि आज सबको पता है कि 77वां वर्षगांठ और 78वां प्रवेश का जो आज हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं उन तमाम शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपना बलिदान दिया। मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और आइए हम सब अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जहां पर भी हैं वहां पर अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। एक एक व्यक्ति इस आज़ादी के जश्नों को आज मना रहा है और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम इसे विकसित भारत की ओर बढ़ाने का काम करेंगे, तो हम सबका जिम्मेवारी बनती है कि हम उस दिशा में माननीय मोदी जी के आह्वान पर हम काम करें। देश कैसे विकसित हो सकता है, इसमें सबका योगदान की आवश्यकता है। हम लोग सब योगदान करें और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आज हम लोग उन रणमात्रों को याद करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं, उनकी शहादत पे हम यही कह सकते हैं कि हमारा देश यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उनकी शहादत को हम प्रणाम कर पाएंगे। मैं फिर से सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं।